एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपली अनप्लग्ड. दिस इज वैष्णवी. सो आज के लेसन में वी आर लर्निंग 12 बार कॉर्ड्स बट विथ ओनली वन कॉर्ड शेप. सो गुड. सो सबसे पहले अगर आपको मेरा ये टॉपिक नहीं समझा है तो मैं अभी समझा लेती हूँ, डोंट वरी. ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं ले रही हूँ ई माइनर कॉर्ड. ओके, तो ये ई माइनर कॉर्ड का कॉर्ड शेप कैसा है? ऐसा ऐसे ही पकड़ता है, राइट? तो इसका ये कॉर्ड शेप हो गया, राइट? तो यही सेम कॉर्ड शेप से हम 12 बार कॉर्ड सीखेंगे. तो बहुत इजी है, राइट, ये सब सीखना. एंड ये सब ट्रिक्स की वजह से बहुत कन्वीनियंट हो जाता है समझने के लिए बार कॉर्ड्स. बिकॉज कई कई लोग बार कॉर्ड्स क्यों नहीं बजाते? बिकॉज उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, एंड प्रैक्टिस चाहिए रहता है बार कॉर्ड्स प्ले करने के लिए एंड ऑल. तो प्रैक्टिस तो आपके ऊपर है, बट ये सब जो भी ट्रिक्स है उसकी वजह से आपको बहुत ईजी हो जाता है लर्न करने के लिए. ओके, तो ये सब ट्रिक्स आप मिस आउट मत करना. मैंने ऐसे कई ट्रिक्स आपको बताए हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो सारे गिटार लेसन. ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर चेकआउट करना मेरे जो भी लेसन है गिटार के. ऑलराइट, एंड यूकेलेले के भी है तो आप जरूर देखना, ठीक है. तो सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपको बार कॉर्ड से प्यार हो जाएगा, बिकॉज काफी कन्वीनियंट हो जाता है लर्न करने के लिए. ओके, एंड ये सब ट्रिक्स की वजह से तो काफी ईजी हो जाता है लर्न करने के लिए. ओके, तो ये चीज ध्यान रखना. ओके, एंड ऑल्सो वॉच दिस टिल द एंड. ओके, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिंपली अनप्लग्ड, लर्न एवरी डे अ न्यू थिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर ट्यूटोरियल. तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपना गिटार ट्यून करना मत भूलना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. एंड हमेशा प्ले करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग को हमारा गिटार हमेशा ट्यून रखना है. ओके, सो एज अ रिमाइंडर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू. ओके, सो सबसे पहले रहेगा हमारा ई माइनर कॉर्ड. ओके, सो यही शेप से लेके हम सीखेंगे 12 बार कॉर्ड्स हमारे. ओके, सो ये है हमारा ई माइनर कॉर्ड. सेकेंड कॉर्ड रहेगा हमारा एफ माइनर कॉर्ड. ओके, तो एफ माइनर कॉर्ड हम कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहले ई माइनर कैसे पकड़ते हैं, बीच में स्पेस रहता है. ओके, इधर स्पेस है, इधर हम कॉर्ड पकड़ते हैं एंड देन ये बार पकड़ लिया, ठीक है. तो यही शेप सेम रहेगा हमारा एफ माइनर के लिए, हमारा बार कॉर्ड इधर रहेगा फर्स्ट फ्रेट पे. एंड ई माइनर कॉर्ड हम फिर ऐसे पकड़ेंगे, तो ये कॉर्ड हो जाएगा हमारा एफ माइनर कॉर्ड. ओके, सो बीच में स्पेस है, वही ई माइनर कॉर्ड हम पकड़े और इधर बार रहेगा, ठीक है. सो दिस इज एफ माइनर कॉर्ड गाइज. एंड अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कॉर्ड चार्ट देख सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू होल्ड दिस. ओके, एंड देन ये हमारा रहेगा एफ माइनर कॉर्ड. सो दिस इज एफ माइनर कॉर्ड. थर्ड कॉर्ड रहेगा हमारा एफ शार्प माइनर कॉर्ड. ओके, तो इसके लिए बार हम सेकेंड फ्रेट पे लगाएंगे, ठीक है, इधर लगाएंगे, ठीक है. पहले हमारा एफ माइनर कॉर्ड इधर था, अब ये एफ शार्प माइनर कॉर्ड हो जाएगा, तो सेकेंड फ्रेट पे हमारा बार रहेगा, वही बीच में फिर स्पेस रहेगा एंड देन ये हमारा ई माइनर कॉर्ड रहेगा. ओके, जस्ट रिमेंबर गाइस कि हमारा रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर कौन सी स्ट्रिंग पे, तो ये स्ट्रिंग कंसिस्टेंट रहेगी सारे कॉर्ड्स के लिए, ठीक है. तो रिंग फिंगर हमारा फिफ्थ फ्रेट पे है एंड पिंकी फिंगर हमारा फोर्थ फ्रेट पे है, ठीक है. तो ये दोनों स्ट्रिंग्स याद रखना है, तो ये कंसिस्टेंट रहेगा एंड सिर्फ हम फ्रेट्स बदलेंगे, ठीक है. तो ये रहेगा हमारा एफ शार्प माइनर कॉर्ड, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू होल्ड दिस. ऑलराइट, सो ये एफ शार्प माइनर कॉर्ड है. थर्ड कॉर्ड रहेगा हमारा जी माइनर कॉर्ड. ओके, तो जी माइनर कॉर्ड के लिए हमारा बार रहेगा थर्ड फ्रेट पे, बीच में वापस स्पेस एंड देन यही ई माइनर कॉर्ड वाला शेप, ठीक है. सो दिस इज जी माइनर कॉर्ड गाइज. ओके, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे. ऑलराइट, तो ये था हमारा जी माइनर कॉर्ड. फिफ्थ कॉर्ड रहेगा हमारा जी शार्प माइनर कॉर्ड. ओके, तो जी शार्प माइनर कॉर्ड के लिए हमारा बार रहेगा फोर्थ फ्रेट पे, ठीक है. सो ये हमारा फोर्थ फ्रेट पे बार है, वही सेम बीच में स्पेस रहेगा एंड देन वही ई माइनर कॉर्ड वाला शेप. ओके, सो दिस इज जी शार्प माइनर कॉर्ड गाइज. ओके, सो ये है हमारा जी शार्प माइनर कॉर्ड. ओके, हमारा नेक्स्ट कॉर्ड रहेगा ए माइनर कॉर्ड. ओके, तो ए माइनर कॉर्ड के लिए हमारा बार किधर रहेगा? फिफ्थ फ्रेट पे. ओके, सो ये फिफ्थ फ्रेट पे रहेगा, वही बीच में स्पेस वापस, वही सेम ई माइनर कॉर्ड वाला शेप.
ओके सो दिस इज ए माइनर कॉर्ड ओके सो दिस इज ए माइनर कॉर्ड नेक्स्ट कॉर्ड रहेगा हमारा ए शार्प माइनर कॉर्ड अभी उसके लिए हमारा नेक्स्ट फ्रेट पे रहेगा बार कॉर्ड विच इज सिक्स्थ फ्रेट ओके तो आप देख सकते हो सिक्स्थ फ्रेट है ये ओके बीच में वापस स्पेस वही शेप वापस सेम स्ट्रिंग्स वही रहेंगे रिंग फिंगर के लिए और पिंकी फिंगर के लिए ओके सो दिस इज ए शार्प माइनर कॉर्ड ओके सो ये है हमारा ए शार्प माइनर कॉर्ड नेक्स्ट कॉर्ड रहेगा हमारा बी माइनर कॉर्ड अब बी माइनर कॉर्ड के लिए हमारा नेक्स्ट फ्रेट पे बार कॉर्ड रहेगा विच इज सेवेंथ फ्रेट पे ओके सो दिस इज सेवेंथ फ्रेट एंड वही सेम शेप ओके सो दिस इज बी माइनर कॉर्ड गाइस सो ये हमारा बी माइनर कॉर्ड है ओके नेक्स्ट कॉर्ड रहेगा हमारा सी माइनर कॉर्ड ओके तो सी माइनर कॉर्ड के लिए हमारा बार नेक्स्ट फ्रेट पे रहेगा तो ऐसे ऐसे करके आप शिफ्ट करते रहना और आपको याद रखना है कि कौन सा बार कॉर्ड कौन से फ्रेट पे है और वो कौन सा कॉर्ड है ठीक है तो ये चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है ऑलराइट तो ये हमारा कौन से एट फ्रेट पे रहेगा ओके बार कॉर्ड सो ये सी माइनर कॉर्ड है ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले दिस सो दिस इज सी माइनर कॉर्ड नेक्स्ट हमारा बार रहेगा नाइन्थ फ्रेट पे ओके एंड इसको कॉर्ड ये कॉर्ड को हम बोलेंगे सी शार्प माइनर कॉर्ड ओके ऑलराइट ऐसा पकड़ना है आपको ओके एंड नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले दिस ऑलराइट नेक्स्ट कॉर्ड रहेगा हमारा डी माइनर कॉर्ड ओके सो डी माइनर कॉर्ड के लिए हमारा बार रहेगा टेंथ फ्रेट पे ओके एंड दिस इज हाउ यू हैव टू होल्ड दिस ऑलराइट एंड हम प्ले ऐसे करेंगे सो ये हमारा डी माइनर कॉर्ड है नेक्स्ट हमारा लास्ट कॉर्ड है तो ये लास्ट कॉर्ड के लिए हमारा बार किधर रहेगा इलेवेंथ फ्रेट पे ओके इधर थोड़ा आपको टफ हो जाएगा पकड़ना जस्ट रिमेंबर दिस थिंग एंड इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से बिकॉज जब भी हम क्लोजर आ जाते हैं स्ट्रमिंग के तरफ तो हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बार कॉर्ड्स पकड़ने के लिए क्योंकि हमारा ये जो डिस्टेंस है गिटार का ये थोड़ा बढ़ जाता है इधर इधर कम रहता है तो इसलिए आपको इजी लगता है हर एक चीज़ हर एक बार कॉर्ड्स प्ले करना बट अगर आप इधर प्ले करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग एंड इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से अगर आप बिगनर हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी इधर तक आने के लिए ओके एंड ये हमारा लास्ट कॉर्ड है डी शार्प माइनर कॉर्ड ओके सो ये इसको हम ऐसे पकड़ेंगे ओके तो ये इलेवेंथ फ्रेट पे रहेगा ऑलराइट गाइस सो दिस इज डी शार्प माइनर कॉर्ड ओके तो ये थे हमारे सारे 12 बार कॉर्ड्स ओके सो आई होप आपको समझ गए सारे बार कॉर्ड्स ओके एंड अगर आप बिगनर हो तो इसको प्रैक्टिस करना मत भूलना बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे राइट एंड अगर आप बहुत ही न्यू आपको पता ही नहीं है बार कॉर्ड्स क्या है एंड कैसे प्ले करते हैं तो आप विद इन वन मंथ भी सीख सकते हो एंड अगर आप डेडिकेटेड होके सीखोगे तो विद इन 2 weeks भी आप सीख सकते हो अच्छे से प्ले करना बार कॉर्ड्स ओके एंड इसको एंड प्रैक्टिस मत छोड़ना ये मेन चीज़ है एंड ऐसे और भी मैं वीडियोज लेके आऊंगी सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट So thank you guys, thank you so much for watching this video. Share this video if anyone is in need and if you're getting any doubts, just let me know in the comment section. And also you can tell me which tutorial should I upload next. So bye bye, take care, keep spreading love. And that's all for today. I'll see you tomorrow. Bye.